नमस्कार, हम ममता माई सिंगर, जो कि अभी बंसी भैया के साथ और गौर भैया के साथ मेरा बहुत ज्यादा गाना वायरल हो रहा है। अब आपका जो फर्स्ट गाना वायरल हुआ था वो अकेले था या फिर कोई और सिंगर के साथ? बंसी भैया के साथ रिलीज हुआ है मेरा गाना वो। तो वो कौन सा गाना था, उनका थोड़ा सा टाइटल आप सुना देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कलियो भरोसा हम तोरा पारनिया, तोर दिल ही हमर बिसबा सागे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ममता माही जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारे साथ इस वीडियो में हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, और हम इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे जो कि आप लोगों को भी जानना जरूरी है इनके बारे में। और इनका फर्स्ट इंटरव्यू हम ही ले रहे हैं, इनसे पहले शायद इनका कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ है आज से पहले। तो सबसे पहले हम ममता माही जी से इनका नाम और कुछ पूछते हैं। ममता माही जी, आप अपना नाम वगैरह सब बता। जी नमस्कार, हम ममता माही सिंगर, जो कि अभी बंसी भैया के साथ और गौर भैया के साथ मेरा बहुत ज़्यादा गाना वायरल हो रहा है। तो कुछ गाना मेरा अकेले का भी है जो वायरल हुआ है। तो सबसे पहले आप बताइए, आप गाना जो गाना स्टार्ट किए हैं कहाँ से शुरू किए थे? जी, स्टार्टिंग तो विजय श्री म्यूजिक से ही हुआ है, जो कि 4 साल पहले से स्टार्टिंग है मेरा। मतलब इसी स्टूडियो से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है जहाँ पे कि हम अभी इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, विजय श्री रिकॉर्डिंग म्यूजिक स्टूडियो में, और यहीं से इनका हर गाना रिलीज होता है, इनका कहना यही है। और आप जो है, मतलब आपका जो फर्स्ट गाना वायरल हुआ था वो अकेले था या फिर कोई और सिंगर के साथ में हुआ था? जी, वो गाना जो था काइट द बोगी, बंसी भैया के साथ रिलीज हुआ है मेरा गाना वो। तो वो कौन सा गाना था, उनका थोड़ा सा टाइटल आप सुना देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, वो टाइटल था कलियो भरोसा हम तोरा पारनिया, तोर दिल ही हमर बिसबा सागे। जोइबे ससुर भाई अपना डोली में चढ़ी के, शमशान जइतो हमर लाश गे। तो चलिए, ये तो आपका सबसे फर्स्ट गाना था जो कि वायरल हुआ था, जिसके बाद आपको बहुत खुशी भी हुआ होगा कि मेरा एक गाना वायरल हुआ। और गाना वायरल होने के बाद आपको बहुत सारे लोग जो है, आपके फैंस वगैरह सब भी बने होंगे, और आपको आपको एक पहचान भी मिला होगा इस मैथिली के इंडस्ट्रीज में। तो आप ये बताइए कि आपका जो फर्स्ट गाना के बाद कौन सा ऐसा गाना है जो कि फिर सेकंड बार वायरल हुआ था? सेकंड बार वायरल हुआ था क्या कहते हैं, खाइले बाप के क्रिया। वो कितने फर्स्ट सॉन्ग के, मतलब कि वायरल होने के कितने दिनों के बाद ये सेकंड वायरल हुआ था? 10-15 दिन के बाद वायरल हुआ, मतलब कि लागले सुर में तुरंत निकल गया। हाँ, तो उसके बाद भी हुआ था रे छोड़ा किया फोन करे छी। हाँ, वो गाना हम भी सुने थे, बहुत अच्छा गाना था। और आप ये बताइए, अभी जो आपका गाना आने वाला है आगे, वो किन के कौन कौन सिंगर के साथ आने वाला है? वो एक गौरव भैया के साथ 2-3 गाना है जो आने वाला है, और बंसी भैया के साथ भी आने वाला है गाना। हाँ, तो आप और मेरा तो अकेले का तो यूं चढ़ता ही रहता है गाना। हाँ, तो आप ये बताइए कि स्टेज शो वगैरह भी आप करते हैं? जी, करते थे स्टेज शो वगैरह, अभी जागरण वगैरह स्टेज शो सब करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो अभी मतलब कि स्टेज शो में जैसे, मतलब कि आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शक लोग, तो कैसे आपसे, मतलब कि आपको बुला पाएंगे, वो कहाँ से? तो विजय श्री म्यूजिक से जैसे नंबर है, नंबर पे आप फोन कीजिए, जो कि विजय श्री म्यूजिक पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनका नंबर जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप चाहे तो वहाँ से इनका नंबर ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को इनका, मतलब कि प्रोग्राम करवाना है, स्टेज शो वगैरह करवाना है, तो इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी बताइए कि आपका जो आगे गाना कोई लॉन्च होने वाला होगा या फिर रिलीज होने वाला, वो कौन सा सॉन्ग है? वो सॉन्ग है अभी सरस्वती माता का, और मतलब देवी, जैसा कि सरस्वती पूजा आने वाला है, इसीलिए अभी सभी सिंगर सरस्वती पूजा के ऊपर ही वीडियो वगैरह सब जो है बना रहे, गाना वगैरह सब बना रहे हैं। अभी रिकॉर्ड जो होगा वो गाना है, दीहे दर्शनवाना, दीहे दर्शनवाना, हे मैया हंस पहुई के सवार आई है हमारे अंगनवाना। ये गाना रिलीज हुआ, ये गाना आप अकेले गा रहे हैं कि कोई और सिंगर के साथ? ये गाना हम अकेले गा रहे हैं, जो कि विजय श्री से ही छूटेगा। अच्छा, मतलब कब तक मैं आ जाएगा इधर? 16 तारीख को सरस्वती पूजा है, तो उससे पहले ही आ जाएगा मेरा गाना। आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो है, मतलब ऐसे ही बढ़ते रहे। आप बताइए कि मतलब आपका बॉलीवुड वगैरह, मतलब कि मूवी सब में काम करने का, मतलब कि कोई इच्छा वगैरह है? अभी तो फिलहाल इच्छा नहीं है, अभी हम सोच रहे हैं कैसे भी मेरा वायरल हो जाए और भी ज़्यादा वीडियो, ताकि आगे जाके कुछ सोचने का मन हो। चलिए बताइए, बंसीधर भैया के साथ तो आप वगैरह, मतलब कि बराबर गाना गाते हैं, और गौरव ठाकुर के साथ भी गाना गाते हैं, तो वो दोनों का, मतलब कि मूवी सब में जाने का कोई, मतलब अभी आगे है जल्दी में? ये फिलहाल ये सब बात तो हमें नहीं पता है।
नहीं पता, ये अक्सर देखा गया है कि भोजपुरी में अगर कोई भी सिंगर गाना गाते हैं तो वह बहुत जल्दी भोजपुरी मूवी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन मैथिली में जब बनाते हैं कोई भी सिंगर हिट होता है तो उनका जो मूवी है वो आ नहीं पाता है। शायद से मैथिली सिंगर को उतना ये माइंड नहीं दिया जा रहा जितना कि भोजपुरी सिंगर का दिया जा रहा है, और उनको मतलब सब आगे बढ़ाने लेकिन मैथिली समाज को कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ऐसा क्यों होता है? ये तो हमें भी नहीं पता भैया, इसीलिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिथिलांचल को आगे बढ़ाने की। बस हम लोग भी मैथिली का सॉन्ग इसीलिए निकालते ताकि आप भोजपुरी को छोड़ के अपना मैथिली पकड़े। हम भी वही सोचते हैं कि मैथिली गाना का बन रहा है, मैथिली सॉन्ग्स वगैरह आने हैं, लेकिन मैथिली पे कोई आज तक मूवी नहीं बनी है। जितने बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कि मैथिली में अपना नाम कमा के बहुत बहुत मतलब कि वायरल भी हुए हैं, लेकिन उनका कोई भी मूवी वगैरह में कोई भी इंट्रो तक भी नहीं आया है। इसी सब को देख कर जो है मेरा थोड़ा सा ये हो जाता है, मन बैठ जाता है कि मतलब यार मैथिली को इतना बेकार क्यों समझा जाता है, मैथिली को कोई आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहता है? ये इसलिए क्योंकि भोजपुरी जो होता है तो भोजपुरी तो सब सुनते हैं, सब सुनते हैं, मैथिली का पे बहुत कम ध्यान देते हैं लोग। इसीलिए हम लोग ऐसा काम करते हैं ताकि मैथिली ही गाना गाएंगे, ऐसा गाएंगे जैसे उन लोगों को पसंद है जैसा गाना, वही गाना को हम मैथिली में करके गाएंगे, तब ज़्यादा वायरल होगा। चलिए दोस्तों, हम बहुत समय इनका नहीं लेना चाहेंगे और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद, अगेन धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए मान गई और हमारे साथ इंटरव्यू भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो और आप बहुत आगे बढ़े, आपका सभी सॉन्ग वायरल जाए, हम यही भगवान से दुआ करेंगे। ठीक है, प्रणाम।